Hi guys, welcome back to my channel. I'm Swati. I make videos related to dance, makeup, DIY, travel and pregnancy also. So if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and hit that bell icon so you can get notification whenever I upload a new video. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक लेबर और लेबर ब्रीदिंग. सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मुझे रिक्वेस्ट आया था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं इस टॉपिक पे भी ये वीडियो बना रही हूँ. और इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो और ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपके लेबर में, लेबर इंड्यूस करने में. सो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए. सो लेट्स ऑल्सो मैंने ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी योगा किया था. सो लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू नो सम योगा आसन फॉर योर लेबर एंड स्मूथ डिलीवरी. सो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ, बट यू हैव टू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो. लेट्स स्टार्ट विद ब्रीदिंग. तो जब आपको लेबर स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत तेज लेबर शुरू हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे आपके लेबर पेन बढ़ते हैं. सो जब भी आपको पता चले कि यू आर इन लेबर और आपकी डॉक्टर आपको कंफर्म कर दें, तो यू कैन स्टार्ट विद ब्रीदिंग प्रैक्टिस. और आई वुड सजेस्ट कि हम लोग जैसे हमारी मैम हमारे ब्रीदिंग सेशन लेती रहती थी, हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते रहते थे. सो लेबर एक ग्राफ में आता है, ऐसे एक ग्राफ में आता है, फिर वो ऐसे एक स्मूथ टाइम के लिए चलता है, फिर वापस से आपका ग्राफ ऊपर जाता है. सो जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होगा तो वो ऐसे स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर एकदम अपने पीक पे जाके फिर नीचे वापस आएगा. सो ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू दर्द में रहेंगे, आपको बीच में आराम भी मिलेगा. सो जब आपको लेबर शुरू हो तो आपको जो ब्रीदिंग करनी है उसकी प्रैक्टिस आप टाइमर लगा के शुरू कर सकते हो. सो जब आपको लेबर स्टार्ट हो तो धीरे धीरे आपको नाक से सांस लेनी है और मुंह से निकालनी है, लाइक दिस. सो अब एक बार आप मेरे साथ करिए. फिर उसके बाद जब आपका लेबर थोड़ा और बढ़ता है तो आपको स्टमक से सांस नहीं लेना है, बस हाफ ब्रीथ करना है आपके चेस्ट तक. अब एक बार मेरे साथ कीजिए. और फिर जब आपका जो पेन है वो एकदम पीक पे होगा तब आपको एकदम फास्ट ब्रीदिंग करनी है. जैसे हम सीढ़ियां चढ़ के आते हैं तो कैसी ब्रीदिंग करते हैं, तो इस टाइप की ब्रीदिंग हमको करनी है. सो एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं शुरू से एंड तक. हम पहले धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर पीक पॉइंट पे जाएंगे, फिर हम वापस स्लो डाउन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 स्टार्ट. सेकंड. So, एक बार फिर से हम करते हैं. जब आप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरे स्टमक से सांस लेनी है और मुंह से निकालनी है. सेकंड में हमें चेस्ट तक लेनी है और थर्ड में जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के एकदम हाफ जाते हैं वैसी ब्रीथिंग करनी है. सो लेट्स डू इट वंस अगेन. सो स्टार्ट. Thank you.
ये हो गई हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस. और जब आप लेबर में हो सो कुछ टेक्निक्स होती है जिससे आप इजीली अपना लेबर पेन ले सकते हो. उसमें जैसे जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आए तब आप अपने जो पार्टनर है उसको ऐसे हगी व्हाट इज आई एम टॉकिंग उनको ऐसे हग करके मतलब उनके चेस्ट पे ऐसे सर रख के और आप लेबर ले सकते हो टाइटली. और आप अपने पार्टनर को बोले कि वो आपको बैक में ऐसे मसाज दें. और जो सेकंड तरीका है लेबर लेने का, आपके घर में कोई भी चेयर हो तो आप उस पर उल्टे बैठ जाइए, मतलब जो चेयर का जो बैक साइड है वो आपके फ्रंट में हो इस तरीके से, और आप ऐसे बैठ जाइए और उसको ऐसे पकड़ के आप अपना कॉन्ट्रैक्शन पूरा लीजिए. और उसमें मेक श्योर कि आपके पैर अच्छे से चौड़े रहें. और आपके पार्टनर को आप बोल सकते हैं कि वो इसमें भी आपको बैक से मसाज देते रहें. और आप जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आए, बहुत पेन हो, तो यू कैन पुट आपके बैक साइड में हॉट वाटर बॉटल, फ्रंट में नहीं रखना है, बैक में यू कैन कीप हॉट वाटर बॉटल जो आपको कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा सा आराम देगा. और उसके अलावा जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आए तो आप जब आप लेबर में हैं तो आप अपनी मदर इन लॉ को या हस्बैंड को बोल सकते हैं आप गर्म पानी पीजिए और यू कैन टेक चाय गर्म और कॉफ़ी, बट कॉफ़ी अवॉइड करके चाय और गर्म पानी, एनी हॉट ड्रिंक और हॉट मतलब गर्म हलवा, गर्म गर्म कुछ गर्म खाना है आपको, ताकि आपका जो पेन है वो आपको थोड़ा कम महसूस और आपको लेबर में भी हेल्प करेगा. यू कैन ऑल्सो टेक हॉट मिल्क विद अ टेबल स्पून ऑफ घी उसमें डाल के. सो घी और दूध आपको बहुत अच्छी चिकनाई देगा आपके पेट में और आपको लेबर में जो डिलीवरी करने में इजी रहेगा. सो यू कैन टेक दिस थिंग. और आप कर सकते हैं जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आए तब आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं, उससे बहुत रिलीफ मिलता है. और आप डक वॉक कर सकते हैं. आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट जब आपके धीरे धीरे लेबर पेन शुरू हो तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाटिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डक वॉक करिए. और मेक श्योर अगर आप लेटे हैं और लेट के कॉन्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो आपके पैर चौड़े होने दी ताकि आपका सर्विक अच्छे से खुल पाए. तो आप अपने पैरों दोनों पैरों के बीच में कुशन या फिर तकिए एक दो कुशन रख सकते हैं. मेक श्योर कि आपके पैर खुले हुए रहें ताकि आपका सर्विक इजीली ओपन हो. और स्क्वाटिंग और डक वॉक तो बहुत ईजी बहुत ही अच्छा है आपके सर्विक ओपन करने के लिए. सो इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ड्यूरिंग योर लेबर एंड इन डिलीवरी ऑल्सो. और ऑल्सो जब आपको 37th वीक लग जाए, जब आप 37th वीक में रनिंग हो, तब यू कैन टेक गर्म दूध विथ थोड़ा सा घी और दोनों टाइम ले सकते हो सुबह शाम. और उसके साथ में अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठें तब थोड़ा सा मेथी दाना आप लूक वार्म वाटर के साथ लीजिए. उसे भिगाना नहीं है, बस डायरेक्ट लेना है हमको. और जो उसकी चिकनाई है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बेबी को नीचे पुश करने में और सर्विक ओपन करने में, तो वो ले सकते हैं, वो बहुत इजी रहेगा. कैस्टर ऑयल आजकल डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं, कहते हैं कि उससे बेबी पॉटी कर देते हैं, तो मैंने नहीं लिया था, तो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगी कैस्टर ऑयल. और यू कैन आस्क योर डॉक्टर कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं. तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए. ऑल्दो ये सब होम रेमेडीज़ हैं, मेथी दाना आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, घी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, दूध आपको कोई नुकसान नहीं करेगा. सो यू कैन टेक दीज थिंग्स. और मेक श्योर कि जब आप मेथी दाना लें लूकवॉर्म वाटर के साथ तो उसके बाद आप कम से कम आधा घंटा तक कुछ भी ना खाएं, खाली पेट रहें. सो वो अच्छे से काम करेगा. उसके अलावा जो मैंने एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए, ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करते रहिए. एंड बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप यू डिलीवर अ हेल्दी बेबी एंड आप खुद भी हेल्दी रहें एंड कंग्रेचुलेशन ऑल्सो. सो और अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी जो योगा मैम है उनकी क्लास ज्वाइन कर लीजिए.
वो जयपुर में तीन जगह क्लास लेती हैं, एक कुकून हॉस्पिटल में एंड एक उनका खुद का स्टूडियो अपार्टमेंट है, एंड वो एक सी स्कीम में क्लासेस रहती हैं। हर नेम इज़ अरुणा गुप्ता एंड शी इज़ रियली गुड, डॉक्टर अरुणा गुप्ता इन फैक्ट, एंड शी इज़ रियली गुड। सो यू कैन ज्वाइन हर ऑल्सो। सो मुझसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस वो देंगी क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। उन्होंने जो मुझे सिखाया वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो इफ़ पॉसिबल यू कैन सर्च हर एंड ज्वाइन हर। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं आपको हेल्प करें आपकी डिलीवरी के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट बेल आइकन सो यू कैन गेट नोटिफिकेशन, एंड ऑल्सो हिट दैट लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली मेम्बर्स। इफ आपके घर में कोई प्रेगनेंट है और कोई डिलीवर करने वाला है बेबी, तो उनको हेल्प कर उनको बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। सो प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अनटिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।